हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अलजेब्रा क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 2.3 का हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो भी पार्ट 1 में हम लोग ने उस दिन किया था। तो जो जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा होगा वो पार्ट 1 पहले देख लेगा, उसके बाद में ये देखेगा तो उसको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए और पार्ट 1 का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे मैं उसका लिंक आपको सेंड कर देता हूँ। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, एकदम ईजी है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्च, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो, अंडर रूट 27, इसका सबसे पहले फैक्टर निकाल दो तो क्या बनेगा, 3 × 3 × 3 ना, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो अब यहाँ पे ये क्या रहता है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना, कोटि कितना, इसका 2 है तो 2 है तो 2 का पेयर बना करके यहाँ पे बाहर कर दो, 3 √3, बस हो गया। इसका आंसर क्या लिखोगे, अभी आंसर में लिखोगे √27 = 3 √3, यही हमारा है √50। अब 50 का फैक्टर निकालना है, 50 का फैक्टर क्या आएगा, 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50। अब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या होती है, हरदम 2 होती है, जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे 2 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 √2, ये हो जाएगा √50 की वैल्यू जो हो जाएगी 5 √2 होगा। यही हमारा क्या बना, ये आंसर बना। ठीक है, अब थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में देखो, √2 = 50। अब 250 का फैक्टर हमको निकालना है। अब 250 का फैक्टर क्या आएगा, 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50, 50 × 5 = 250 ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 का पेयर करके बाहर निकाल दो इसको, 4, और अंदर में क्या बचेगा, 2 × 5, तो ये हो जाएगा 5 √10। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है √250 = 5 √10। ठीक है, अब 1 × 1 = 2 का निकालते हैं। √1 × 1 = 2, ये कैसे जाएगा, यहाँ पे इसको इस तरीके से निकाल लो, 1 × 1 = 2, ये जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर से जाएगा 2 × 28, 2 × 14, 2 × 7 = 7, 1, 2 × 2 × 2 × 2 × 7। अब 2 × 2 का पेयर बना दो, एक पेयर बना, दो पेयर बना, पेयर वाले को बाहर कर दो, 2 × 2 √7, हो जाएगा 4 √7। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है √1 = 4 √7। अब उसी तरीके से 168 का भी निकाल लेते हैं, √168 = इसका भी इस फैक्टर निकाल लो, 168, 2 से जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 8, फिर से जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 से जाएगा 21, 3 से जाएगा 7,
और यहाँ पे भी थ्री से सॉरी सेवन से जाएगा वन ना, तो टू टू जा फोर, टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर सेवन जा वन सिक्सटी एट। अब पेयर कितने का करना है, टू का पेयर करना है, टू का पेयर ये टू आ गया यहाँ पे बाहर आ जाएगा और जो भी बचेगा इसका पेयर हो ही नहीं रहा है, तो सेवन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन टू जा फोर्टी टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अंडर रूट 168 इज इक्वल टू टू अंडर रूट 42, समझा। नेक्स्ट करते हैं, अब इसको कंपेयर करना है। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सर्ड, सर्ड ये जो सर्ड्स है इसको कंपेयर करना है। तो हम लोग कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, सेवन अंडर रूट टू एक साइड में लिखते हैं और फाइव अंडर रूट थ्री ये एक साइड में लिखते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान देना ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इसको सेवन का स्क्वायर कर देते हैं। इस सपोज अभी जैसे यहाँ या तो इसको इस तरीके से समझो, ये कितना है, सेवन है, सेवन किसका स्क्वायर रूट है, सेवन फोर्टी नाइन का है, या तो इस तरीके से समझो सेवन किसका स्क्वायर रूट है, फोर्टी नाइन का है, ठीक है, इनटू अंडर रूट में टू। उसी तरीके से फाइव का भी कर लो, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट है ना फाइव, इनटू अंडर रूट में थ्री, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट नाइन्टी एट और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट सेवेंटी फाइव, तो ये हो जाएगा बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, ये ग्रेटर है, तो जब ये ग्रेटर रहेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेवन अंडर रूट टू ग्रेटर देन फाइव अंडर रूट थ्री से, यही हमारा आंसर हुआ, समझा इतना। इसको एक मैं सेकंड तरीके से भी बताता हूँ। अभी देखो ये तो क्लियरली है, ये क्या है अंडर रूट टू फोर्टी सेवन और अंडर रूट में टू सेवेंटी फोर, कौन सा ग्रेटर है, सीधा सीधा दिख रहा है कि 247 और 274 में ये ग्रेटर है, यहाँ पे आंसर में लिख लो अंडर रूट 247 स्मॉलर देन अंडर रूट 274। अब यहाँ पे देखते हैं टू अंडर रूट में सेवन और यहाँ पे अंडर रूट में 28 दिया हुआ है। देखो मैं अभी क्या बोल रहा था कि दूसरे भी एक मेथड से कर लेते हैं, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये क्या है, ये यहाँ पे ये सेवन का ये सेवन लिख दिया, ठीक है, अब बचा क्या, ये टू, ये टू टू का अगर हम स्क्वायर रूट में लेते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू और यहाँ पे क्या है 28 है, तो ये क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, फोर फोर सेवन जा 28, ये भी 28 है और ये भी 28 है ना, दोनों 20 28 है, तो यहाँ पे इक्वल साइन लगेगा, तो हमारा ये आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा टू अंडर रूट सेवन इक्वल टू अंडर रूट 28, ठीक है। अब फोर्थ करते हैं, इसका भी वैसे ही करना है, फाइव अंडर रूट फाइव और यहाँ पे है सेवन अंडर रूट टू, तो ये किसका स्क्वायर है, ये जो फाइव है, फाइव किसका स्क्वायर है, ट्वेंटी फाइव का, तो स्क्वायर रूट में कितना जाएगा, ट्वेंटी फाइव इंटू अंडर रूट में फाइव और ये सेवन किसका है, फोर्टी नाइन का है स्क्वायर रूट इंटू अंडर रूट में टू, मतलब कहने का क्या मतलब है, ये ही सिर्फ चेंज होगा बाकी चेंज नहीं होगा, तो ट्वेंटी फाइव फाइजा, ट्वेंटी फाइव फाइजा 125 और 49 टू जा 98 ना, तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, जब ये बड़ा है तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, फाइव अंडर रूट फाइव ग्रेटर देन सेवन अंडर रूट
टू, ये हमारा क्या बना, ये है हमारा आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं, बहुत इजी है। फोर अंडर रूट, फोर अंडर रूट 42 और 9 अंडर रूट 2। तो 4 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 16 का इनटू अंडर रूट 42। यहाँ पे 9 किसका है, 81 का इनटू अंडर रूट में 2। अच्छे से लिख लेते हैं, अंडर रूट में 2। तो अब इसको क्या करेंगे, 16 इंटू 42 और ये कर देंगे 81 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 81 इंटू 2 कितना होता है 162, और ये कितना हो जाएगा 16 का 2 यहाँ पे आएगा, 3 इसका कैरी चला जाएगा, 64 एंड 3 67। तो बड़ा कौन सा होगा, ये बड़ा होगा 162 से, तो ये बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 4 अंडर रूट 42 ग्रेटर देन 9 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 5 अंडर रूट 3 एंड 9। अब यहाँ पे ये 9 दिया हुआ, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट में 25 इंटू अंडर रूट में 3। इसको अंडर रूट में लिखना रहेगा तो मैं किस 81 लिख सकता हूँ इसको ना, तो ये हो जाएगा 75 और यहाँ पे हो गया 81। तो अभी इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से ये बड़ा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 अंडर रूट 3 लेस देन 9। ये हमारा आंसर है। समझ में आया? अभी उसी तरीके से इसका भी कर लो, 7 है और यहाँ पे है 2 अंडर रूट में 5। तो 7 किसका है, 7 है 49 का और 2 किसका है, 4 इंटू अंडर रूट में 5। तो ये हो जाएगा 49, यहाँ पे जाएगा 4 इंटू 5, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 49 और ये हो जाएगा 20। तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो आंसर में आएगा 7 इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई और इजी है, इसको सिर्फ ध्यान देना है, इसका जो सर्ट्स है, सर्ट सिर्फ कॉमन रहा रहेगा तो और इजीली जाएगा ये, और अच्छे से ये समझ में आएगा। यहाँ पे भी देखो सर्ट्स कॉमन है, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे देखो जिस तरीके से हम लोग पहले सम करते थे, यहाँ पे अंडर रूट थ्री कॉमन है, कॉमन ले लिया, अब बचेगा क्या, 5 प्लस 8। उल्टा करते हैं, हम लोग पहले क्या करते थे, जो कॉमन रहता था पहले लिखते थे बाद में ब्रैकेट लिखते थे, इसमें उल्टा करेंगे, जो कॉमन रहेगा वो लिख लेंगे उसके बाद में 5 प्लस 8 को प्लस करिए। इसका आंसर आया 13 3। अब यहाँ पे इसका आंसर लिख लो, आंसर 5 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 3
इक्वल टू 13 अंडर रूट 3 हो गया, खत्म। समझा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर रूट में 5 है, ये भी अंडर रूट में 5 है, यहाँ पे अंडर रूट में 5 नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में 5 लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 9 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस ये 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका फैक्टर निकाल दो, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 25 5 125। अब यहाँ पे ये क्या है, 2 है, तो कितने का पेयर निकलेगा, 2 का पेयर निकलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस ये 5 तो कॉमन निकल जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट में 5 बचा। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अंडर रूट 5 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 5 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 5 है, इसका मतलब अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या, यहाँ पे देखो बचा क्या है, 9 माइनस 4 प्लस 5, तो कितना हुआ, 9 माइनस 4 5 5 प्लस 5 10 10 अंडर रूट में 5, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको आंसर लिख लो, 9 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 125 इक्वल टू 10 अंडर रूट 5। समझा? अब इसका भी ऐसे करना है, इसका क्या करना है, 7 अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 27 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे सबका जो अंडर रूट है, जो सर्स है, उसको सबको 3 करना रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 48 का पहले निकाल लेते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48, ठीक है, माइनस अब 27 का निकालो, 3 3 9 3 27 माइनस अंडर रूट में 3, इसका तो बनेगा ही नहीं। अब कितने का पेयर बनाना रहता है, 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बना, ठीक है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बनाओ, तो यहाँ पे आएगा क्या, 7 इंटू ये वाला 2 और ये वाला 2 ना, यहाँ पे बचेगा क्या, अंडर रूट में 3 माइनस 3 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 3 अंडर रूट में 3 है, तो ये हो जाएगा 7 2 14 14 2 28 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। अब ये तीनों में से कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बच रहा है 28 माइनस 3 माइनस 1, ये 1 यहाँ से आया, 1 अंडर रूट 3 है ना यहाँ पे, तो 28 माइनस 3 25 माइनस 1 24 अंडर रूट 3, यही तुम्हारा आंसर है। तो अब इसको आंसर लिख लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं, 7 अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 27 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 24 अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ पे सब में अंडर रूट दिया हुआ है, देखो अंडर रूट 7 7 एंड 7, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है,
इसको सॉल्व करना है। तो अंडर रूट 7 दिया हुआ है, तो इसको इस तरीके से लिख लो। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था, कितना अंडर रूट 7 है, 1 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका दो ट्रिक है, या तो एलसीएम निकाल के करो या तो सबका डिनोमिनेटर सेम कर दो। हाँ, तो अगर से मेरे हिसाब से एलसीएम से ही कर लो। तो 5 का एलसीएम क्या आता है, 5 का एलसीएम आता है 5। अब यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या करो, 1 माइनस 3 बाय 5 है प्लस 2, इस तरीके का है ना। तो एलसीएम कितना है, 5 है, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 एंड 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 5 माइनस 3 प्लस 10 बाय 5, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 यहाँ पे भी आएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना गया, 2 2 प्लस 10 12 बाय 5 अंडर रूट में 7। समझा इतना।